नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस योग प्रेरणा सेशन में। आशा करता हूँ बिल्कुल आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और धीरे धीरे प्राणायाम और योग आप कर रहे होंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी और हम भी आशा करते हैं कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें और अपने आप को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रखें। तो आइए, आपकी खूबसूरती और आपके हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए बहुत सारे प्राणायाम और योगा के आसन सिखाने के लिए हमारे साथ फिर से हाजिर हो गए हैं अनुजा डोकरे, योगा ट्रेनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, ओम शांति। नमस्ते, ओम शांति। आप लोग बहुत फिट होंगे क्योंकि इतने सारे आप प्राणायाम सीख चुके हैं, आसन सीख चुके हैं, वार्म अप एक्सरसाइज सीख चुके हैं। तो आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। बाइबल बिल्कुल सीधा, एक बिंदु के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आंखें बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ओम अस्तो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर इसलिए इसका घर्षण कीजिए, दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर स्थित कीजिए। पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी को अपने अंदर डाल दीजिए और धीरे धीरे हाथ रखाइए, स्माइल। यस। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे उज्जायी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ उज्जायी प्राणायाम के बारे में। उज्जायी प्राणायाम को ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं क्योंकि जब हम उज्जायी प्राणायाम करते हैं तो हमारे गले से जो आवाज निकलती है वो बिल्कुल समुंदर की तरह रहती है। इससे हमारे बॉडी में बिल्कुल कामनेस पैदा होता है। मेडिटेशन करने से पहले अगर आप उज्जायी प्राणायाम करेंगे तो ये आपको मेडिटेटिव पोज लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। उज्जायी प्राणायाम में हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को बिल्कुल कामनेस मिलता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो कम हो जाती है उज्जायी, क्योंकि ये गले से हम लोग प्राणायाम करते हैं तो थायराइड गले में होता है, गले की ग्रंथियों में, तो वो कम होने में मदद हो जाती है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल चला जाता है। उज्जायी प्राणायाम से बिल्कुल हमारी जो तन मन शरीर में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस है वो निकल जाती है, कोई भी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है वो निकल जाता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उज्जायी प्राणायाम करने से, पूरे शरीर में एक एनर्जी पैदा होती है जिससे, यानी एनर्जी ऐसे नहीं कि हम लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं लेकिन कामनेस बढ़ता है, हमारे शरीर में कामनेस बढ़ता है और वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने एक्टिव रहते हैं, इतने कि हम लोग अगर सो जाएंगे, कोई मेडिटेटिव पोजीशन भी लेंगे, पोस्चर लेंगे, फिर भी हमारा माइंड तो एक्टिव रहता ही है कितना भी कुछ करो, लेकिन उज्जायी प्राणायाम के प्रैक्टिस से हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कामनेस की एनर्जी मैंने बोला कि बढ़ती है क्योंकि वो जो एक्टिव माइंड है उसको हम बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट उज्जायी प्राणायाम करने से ला सकते हैं। तो जिनको थ्रोट की कोई प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है, या बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड है, या थायराइड बहुत हाइपर है, हाइपोथायराइड, तो वो लोगों ने ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे उनका गले के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है और उन्हें तकलीफ हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं उज्जायी प्राणायाम। हमारा पोस्चर है बिल्कुल चिन मुद्रा में आप बैठिए,
मैं पहले आपको बताऊंगी कि कैसे करना है और फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। उज्जायी प्राणायाम करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पहले हमको थ्रोट हमारा जो है ग्लोटिस है उसको कंस्ट्रक्ट करके ये करना पड़ता है। तो ये तीन स्टेप्स में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमको नाक से इनहेल करना है और मुंह से श्वास बाहर छोड़ना है, तो वो फर्स्ट स्टेप है, कैसे करते हैं देख लीजिए। देखिए जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं ओशन की आवाज आती है, इसीलिए उसे ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कैसे करते हैं देख लेते हैं। सेकंड स्टेप करते समय हमको नाक से ही ब्रीदिंग करनी है, लेकिन हमारे जो टिप ऑफ हमारे टंग है ये हमें हमारे ऊपर के पैलेट को लगानी है और एक्सहेल करना है मुंह से। तो देखिए देखिए ओशन के जैसी ये आवाज आ रही है जब आप एक्सहेल करते हैं। तो नाक से श्वास करना है, मुंह से छोड़ना है, ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप करते समय सिमिलरली आपको करना है जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में किया है, लेकिन सिर्फ थर्ड स्टेप में यही क्रिया आपको मुंह बंद करके करनी है। नाक से श्वास करना है और मुंह से मुंह बंद करके श्वास छोड़ना है। ओशन की आवाज करते समय अपने ग्लोटिस को कंस्ट्रक्ट करना है, हमारे थ्रोट को नैरो डाउन करना है, हमारे गले को बिल्कुल खींचना है, लेकिन इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए कि हमारा गला एकदम ऐसे हो जाए, बिल्कुल ही आराम से। प्राणायाम ये ऐसी बात है बिल्कुल शांति से आराम से मन लगाने के करने वाली चीज है, कोई भी हमको जल्दी नहीं है, कहीं भी पहुंचना नहीं है। जब हमें समय होगा तभी ये हमको करना है। आप ये सुबह भी कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेट खाली होना चाहिए। और आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के तो कर ही सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमारी थर्ड स्टेप। उज्जायी श्वसन करते समय जब हम इनहेल करते हैं तब प्रैक्टिस से हमारी वो ओशन की साउंड इनहेल करते भी आ सकती है प्रैक्टिस करने के बाद, और एक्सहेल करते वक्त तो आ ही जाती है। तो फर्स्ट स्टेप है नाक से इनहेलेशन, सेकेंड स्टेप हमारे टिप ऑफ टंग को हमारे पैलेट को ऊपर लगाना है ऐसे, और एक्सहेल करना है नाक से इनहेलेशन मुंह से एक्सहेलेशन। और थर्ड स्टेप है हमारे लंग से श्वास लेना है, इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है। तो करते हैं उज्जायी प्राणायाम। चिन मुद्रा में बैठेंगे, बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, और शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ विथ क्लोजिंग योर माउथ। कंसीडर द थ्री स्टेप्स व्हिच आई टॉट यू जस्ट नाउ। आप 3 rounds, 5 rounds, 7 rounds मैक्सिमम 21 rounds या 10 minutes तक प्रैक्टिस से अपने कैपेसिटी के हिसाब से उज्जायी प्राणायाम कर सकते हैं।
अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और कान बंद है, नाक बंद है, तो ऊंचाई प्राणायाम से ये खुल जाता है। तो बिल्कुल ये हम हिसिंग साउंड है जो बाहर निकलता है। ठीक है, हिसिंग साउंड याद रखिए कैसे करना है। ऊंचाई प्राणायाम, हर प्राणायाम करने के बाद मैंने आपको बोला है, आपको मैं अभी बता रही हूँ, टाइम लिमिट है इसीलिए जल्दी से उस प्राणायाम से मैं निकल जाती हूँ, लेकिन प्राणायाम करने के बाद अगर उसको आपको अगर उसका अच्छा इफेक्ट चाहिए तो 1 मिनट तक उसी पॉस्चर में बैठे रहिए और हाथों का घर्षण करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी के जैसा साउंड आता है जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रमर, भ्रमर, हमिंग बी के जैसा साउंड, ठीक है ना। भ्रामरी प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए सिंगर्स या डबिंग आर्टिस्ट जब भी उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, स्टेज पर जाना है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करते हैं, इससे हमारी आवाज बहुत सुरीली हो जाती है। हाँ, तो करके देखिए जरूर आप भ्रामरी प्राणायाम, अगर कोई सिंगर्स है और वो नहीं करते हैं या डबिंग आर्टिस्ट है तो उन्होंने ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए, या कोई टीवी शो होस्ट जैसे हमारे रमेश जी है वो भी अगर रोज करेंगे तो उनकी आवाज में फर्क पड़ जाएगा, वो प्रोजेक्शन बढ़ जाएगी, आवाज बहुत अच्छी सुरीली हो जाएगी। हर जो है प्राणायाम उसे बहुत सारे जो इफेक्ट है, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और भ्रामरी प्राणायाम है उसे हम बिल्कुल आपको बताती हूँ। मेडिटेटिव पोज है, यानी मेडिटेटिव पोज के पहले ये भ्रामरी प्राणायाम करना जरूरी है, इससे हमको मेडिटेशन में जाने में मदद हो जाती है, हमारा माइंड बिल्कुल काम हो जाता है, सूदिंग इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आता है, हमिंग से पूरी बॉडी हमारी काम और सूदिंग हो जाती है। आपको बताती हूँ कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। चिन मुद्रा है, नाक से श्वास लेना है और हमिंग साउंड करते वक्त हमको उच्छ्वास करना है। इसे करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बाहर की साउंड को अगर हमें रोकना है तो कितने सारे लोग हैं उंगली अंदर डाल के करते हैं, हाथ पे हाथ कान पे रख के करते हैं, या अंगूठे कान के ऊपर रख के आंखें बंद करके इस प्रकार करते हैं, या अंगूठे कान के ऊपर हल्के से रख के ये उंगलियां सारी सर के ऊपर फैलाते हैं और ऐसे भी करते हैं। मैं ऐसे आपको करके दिखाती हूँ। ब्रीद इन, इतने वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं और पूरे हमारे बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमारी सारी बीमारियां भाग जाती है, तो ये करना बहुत जरूरी है। रोज आप इसका प्रयोग करें और देखिए आप में कितना कामनेस, कितनी शांति आती है, आपके जो स्ट्रेस है, टेंशन है, फटीग है, बॉडी में से निकल जाता है और पूरी बॉडी शांत हो जाती है। आप रात के समय ये मत कीजिए, आपको अगर सोर थ्रोट है और कहीं भी निमोनिया है, गले कफ और सर्दी की बीमारी है बहुत ज्यादा, तो आप ये मत कीजिए। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया ऊंचाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अनुजा जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हमारी आवाज़ जो है बुलंद हो जाएगी, ये एक्सरसाइज आपने बताया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में
और मैं चाहूँगा कि ये प्रयोग ज़रूर करें और अपनी आवाज़ को बुलंद बना के रखें, और उसके साथ जो एक्सरसाइज आपको बताया जा रहा है, आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप सदा खुश रहें, यही हमारी शुभकामना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।